अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून अजीजा नेमान, कैलस से निकल पड़े हैं नॉर्थ फ्रांस की तरफ। अभी मैं बता रहा हूँ, नैन्सी सिटी है तो उसकी तरफ जाना, अभी 5 घंटे ड्राइव है यहाँ से। तो रास्ते में वीडियो बनाते जाएंगे और आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अभी थोड़ी सी हेजिटेशन है कि ड्राइविंग इधर लेफ्ट हैंड ड्राइव है और ये अपोजिट साइड पे चलानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा ज़रा 10-20 माइल चला लें तो फिर आपसे बात होती है। जा रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रांस, नैन्सी सिटी है, वहाँ पे आज रात वहाँ पे ठहरेंगे, फिर सुबह का प्लान बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हमने 45 मिनट्स ड्राइव की है और सिर्फ 4 घंटे और 50 मिनट और ड्राइव करनी है तो फिर पहुँचेंगे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर्स में माइल्स में नहीं है, किलोमीटर बता रहे हैं 458 किलोमीटर्स लेफ्ट। सो थोड़ी सी ड्राइविंग वियर्ड है लेकिन मोटरवे पे तो इजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, लेकिन लोकल रोड पे सिटी के अंदर जाके देखेंगे। फिलहाल तो ठीक जा रहे हैं, ये पहला एक्सपीरियंस नहीं है, आज से तकरीबन 9 साल पहले यहाँ पे आए थे हम लोग और पेरिस में गए थे, जिधर वो लोहे का खंबा नहीं है, के एफिल टावर, और दूसरा मुझे तो उसमें कुछ ख़ास बात नज़र नहीं आई, लोग जाते हैं वहाँ पे, और दूसरा है डिज्नीलैंड, और डिज्नीलैंड अच्छा है बच्चों के लिए तो वो भी देख चुके हैं। अभी ये इरादा किया कि इस तरफ चलते हैं और स्पेशली जिधर कम लोग जाएं वो जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए, पेरिस तो सब ने देखा हुआ, तो सुबह देखते हैं नैन्सी कैसा है और आपसे भी शेयर करते हैं, अच्छा होगा उम्मीद है। और वैसे भी नई जगह एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। साइड पे जो लाइनें नज़र आ रही हैं रोड के, वाइट लाइंस जो बड़ी वाली राइट हैंड साइड पे, ये ट्रोड कह रही हैं इनको कि दो का फासला रखें, वो सेवा जिस तरह हमारे यहाँ वो शेवरॉन्स हैं ना वो रोड पे डाले होते हैं उन्होंने, इस तरह ये इनको ट्रोड कह रहे हैं और दो का कह रहे हैं डिस्टेंस रखें, ये साइन पीछे आ रहा था। अब फ्रेंच पढ़ने में तो वैसे समझ आ ही नहीं रही लेकिन अंदाजे से मैं कह रहा हूँ, यही लिखा था, ट्रॉट लिखा था,
दो का फासला कह रहे थे कि रखें एक और दो, इतना ये लारी और मेरे दरमियान। चले साथ साथ लर्न करते चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। मौसम शानदार है, बारिश नहीं है, बादल नहीं है, लकीली अदरवाइज जिधर भी निकले बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इधर हम लकी रहे हैं, बेहतरीन मौसम है, ना गर्मी है ना ठंड है, थोड़ी सी गर्मी है लेकिन इसको गर्मी नहीं कहते, बस ठीक है, ज़बरदस्त है। ये इधर फसल लगी है मकई की, कौन कौन फील्ड है ये सारी, यहाँ पे ब्रेक लगाई है जी सर्विस पे, अभी 3.5 घंटे और रहता है, तो अभी शदीद ज़रूरत है कॉफ़ी की, अदरवाइज़ ड्राइविंग नहीं होगी, थकावट होगी बहुत। तो ये सर्विस मिली है यहाँ पे, स्टारबक्स है तो कॉफ़ी मिल जाएगी, और थोड़ा फ्रेश अप हो लेते हैं, आधा घंटा ब्रेक लगाएंगे यहाँ पे और फिर चलते हैं आगे, जर्नी कंटिन्यू। सर्विस पे एक अच्छी बात है जी, बाहर इन्होंने बनाया हुआ ये जगह बैठने के लिए, जो कि बहुत अच्छी है, तो सिटिंग एरिया है यहाँ पे। तो सबसे बुरी चीज़ वो भी सुनते जाएं कि टॉयलेट के लिए 80 पैसे देने पड़ते हैं, अगर आपके पास चेंज नहीं है तो आप फंस गए हैं, तो मेक श्योर कि आपके पास चेंज हो। हमारे यहाँ तो चार्ज नहीं करते हैं सर्विसेज पे, टॉयलेट के लिए यहाँ पे चार्ज है, और बाकी चीज़ें भी महंगी हैं। ये एक कप 6.50 पैसे है कॉफ़ी का। एनीवे और यू वोंट बिलीव This closet, €3 each. It's very expensive. चलेंगे दोबारा से बिस्मिल्लाह करते हैं। Please proceed to the highlighted route. फ्रांस की इस सर्विस से फेंटी खाने के बाद अब आगे चलते हैं, और मैं कह रहा था 4 घंटे, 4 घंटे नहीं है, इट्स 3 hours and 41 minutes, सो लेस देन 4 hours। तो चलिए आगे देखते हैं, ब्रेक लगानी है कि नहीं डिपेंड है, अदरवाइज सीधा नैन्सी सिटी चलेंगे, उससे थोड़ा सा पहले ही है होटल, और देखते हैं यहाँ पे अंधेरा कितनी जल्दी होगा। यहाँ से लोकल टाइम तो 1 घंटा इंग्लैंड से आगे है, इंग्लैंड में अभी हुए हैं 5:45, यहाँ पे 6:45 हुए हैं, सो ठीक है चलते हैं, मोटरवे पकड़ते हैं और सीधा नैन्सी।
जी अभी लग्जमबर्ग पास किया है, बिल्कुल बॉर्डर के साथ ही। तो क्योंकि नॉर्थ फ्रांस जा रहे हैं इसलिए उधर तो नहीं जाना था, पहले इरादा था कि लग्जमबर्ग चले, लेकिन फिर इरादा चेंज कर दिया तो नैन्सी का प्रोग्राम बनाया। अभी खैर से 2 घंटे और 40 मिनट्स हैं मज़ीद। मैं कहता था कि ड्राइविंग पैशन है, लेकिन आज मत बज गई है। अभी भी जस्ट अंडर 3 आवर्स रहते हैं ड्राइविंग के, तो चलें फिलहाल एनर्जी है, ठीक है, चल रहे हैं, डज मैटर। अभी थोड़ी थोड़ी शाम भी पड़ रही है, और मेरे ख्याल में यहाँ पे अभी टाइम क्या हुआ है, 7, यहाँ पे 8 हो चुके हैं, और 9, 10, 11 अराउंड 11 o'clock पहुँचेंगे। चलें खैर है, फिलहाल रोशनी है थोड़ी, शायद आधा घंटा पौना घंटा रोशनी है। जी अभी थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं, 11:30 बजे, 7 घंटे लग गए डोवर से यहाँ नैन्सी तक। तो अभी देखें धुंध किस तरह है। ये अगस्त है और आप देखें धुंध कैसे छाई हुई है, और बस थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं और चेंज किया है, फ्रेश अप हुए हैं और अभी सोने की तैयारी है। मैंने कहा कि आपको खुदा हाफिज़ कर दें, सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी, एंड जुड़े रहिए, आगे बहुत सारे एडवेंचर्स आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रॉम नैन्सी फ्रांस।